दोस्तों इंसान को जिम्मेदारियां समय से पहले बूढ़ा कर देती हैं। मैं अपनी छत पे ये देखने के लिए आई थी, तेज़ आज बारिश हो रही है, सुबह 8 बजे से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि जाके छत पे देखूं कहीं पानी जो वो नाली होती ना उसमें मिलती है, धूल कुछ जम जाती तो फिर पानी जो है सीढ़ियों के द्वारा घर के अंदर चला जाता है। मैं ही जिम्मेदार पर्सन हूँ तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और तो घर में कोई देखे जो ही नहीं, तो क्या करूँ। फिर बारिश तेज़ हो रही, मैंने छाता उठाया, मैंने कहा कि जाके देख लूँ फिलहाल, तो बारिश कहीं छत पे पानी, छत का पानी कहीं भरा नहीं है, सारा पानी बह गया है। लेकिन फिर भी दिमाग में ये चीज़ लगी रहती है कि अगर बारिश छत पे नहीं जाएंगे तो ये छोटी सी नाली है तो इसमें अगर मिट्टी या धूल जम जाएगी तो ये छोटी सी नाली है इसमें अगर पानी या मिट्टी धूल कुछ जम जाती है तो छत के द्वारा पानी नीचे चला जाता है, तो फिर ही मुझे ही साफ करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत सारे काम सुबह सुबह हो जाते हैं, इतने ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं कि जो है समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा लगती है, इरिटेशन होने लगती है, मन करता है कि छोड़ छाड़ कर सब भाग जाऊँ, इतनी दूर भाग जाऊँ कि फिर यहाँ कुछ मिले ना, फिर लोगों का मोह, अपनों का मोह, अपनों का फ्यूचर, अपनों की जिम्मेदारियाँ तो मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर देती हैं, और अपना गुस्सा निकाल कर मैं फिर काम पे लग जाती हूँ। इतना टाइम हो गया अभी, ना चाय मिली ना नाश्ता मिला, और सारी दिमाग पे लट रहा हुआ ड्यूटी भी जाना, क्या ज़िंदगी है। अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं, बस हमेशा भाग भाग भाग, हम भाग ही भाग सुबह हुए, सुबह रूटीन शुरू हो जाता, फिर शाम को, फिर दोपहर का, फिर रात का, फिर आए और थक हार के सो गए, ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो गई। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। ज़िंदगी भी एक अजीब पहेली है, न समझ सका है कोई इसे, और सब हपड़ धपड़ और भागम भाग की ज़िंदगी में लगे हुए हैं।